हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टीचर्स सम्पैथ इस वीडियो लेक्चर में मैं आज के हुए लेक्चर के पेपर को डिस्कस करूंगा बीस बीस क्वेश्चन करके मैं सेट करके सेट बना के डिस्कस करूंगा और मेरे पास ये पेपर भी ऐसे ही पहुंचा है किसी ने स्क्रीनशॉट की पीडीएफ लेके मेरे पास भेजा है तो इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन है द स्टाइडर्स इज अ पोएम रिटर्न बाय तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा ए के रामानुजम इसका सही आंसर है ये सेट कौन सा है मुझे नहीं पता तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में ला लीजिएगा तो द स्टाइडर्स जो पोएम थी वो ए के राम रामानुजम ने लिखी है मैथ्यू अर नॉल इज नोन एज ये पोएट एंड क्रिटिक थे ठीक है नेक्स्ट आता है आपका अल्फ्रेड टेनिशन बिलोंग टू विक्टोरियन एच या क्लासिकल क्लासिकलिज तो इसका सही आंसर है टेनिशन तो आपके विक्टोरियन एच के हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हु द लूसी पोएम्स तो लूसी पोएम फाइव लूसी पोएम जो लिखी थी वो लिखी थी आपके विलियम वर्सवर्थ ने नेक्स्ट आता है इन विच ईयर वॉज द लिरिकल बैलेट वाज़ पब्लिश बहुत फेमस क्वेश्चन सेवनटीन नाइनटी एट्स का सही आंसर है नेम द ऑथर हु रोट हिज इन हिज ऐसे तो क्राफ्टी मैन ये कंडेम एंड स्टडीज ये बहुत ही ऑफ द स्टडीज से लिया गया है फ्रांसिस बेकन का ये आपका ऐसे है नेक्स्ट आता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग नोवल्स इंप्लाइज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक तो इसमें जो आपका ये वाला द ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये आपका स्टीम ऑफ आप, से इसका रिलेशन है नेक्स्ट आता है एपोस्टेट का मतलब होता है जो बिल्कुल भगवान को मानता नहीं है तो हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इसका सही आंसर होगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट आता है इस पेपर सेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग अपना पेपर सेट देख लें ठीक है नेक्स्ट आता है आपके पास फिगर ऑफ स्पीच इसमें बताना है ही वॉज ड्रीमिंग ड्रीम्स नो मॉरल एवर डेयर टू ड्रीम बिफोर तो इसमें एलिटेशन तो नहीं है और सिमिली भी नहीं है बसते हैं पन और मेटाफोर तो इसका सही आंसर मेटाफोर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट जो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर इसका सही आंसर है पैराफ्रेजिस नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय रेस्किन बॉन्ड तो रूम ऑन द रूफ इसका सही आंसर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ पार्टीशन नोवल तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका द शेडूलाइंस इसका सही आंसर है द शेडूलाइंस एक आपका पार्टीशन नोवल है अमिताभ घोष ने जो लिखा था द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज वॉज प्रिंटेड इन तो ये सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले बाई शेक्सपियर डिस्क्राइब जलेसी एज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर तो ये ओथेलो की बात कर रहा है आपसे किसकी बात कर रहा है ओथेलो की नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एक्ट्स डज द टैगोर्स प्ले चित्रा है तो उसमें केवल वन एक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स डिड रस्किन बॉन नॉट रिसीव दो बुकर प्राइज का सही आंसर है ससी देस पांडे राइट्स फॉर स्टोरीज इन तो कन्नड़ इसका सही आंसर होगा द शॉर्ट स्टोरी द स्नोज ऑफ़ किली मंजारो वॉज रिटर्न बाय तो द स्नोज ऑफ किली मंजारो लिखी थी अनर्स टैमिंग वे ने ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है विच इज़ द टाइटल ऑफ़ द सेकंड नावल बाय अरुदति रॉय तो सेकंड नावल का जो टाइटल था द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इसका सही आंसर है टॉम जोन्स बाई हैंनरी फील्डिंग इजा तो टॉम जोन्स एक आपका हिस्टोरिकल नॉवल है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स मालाबार बार आर मेंशन तो इसका जो सही आंसर है द पेसिस्ट टू इंडिया ऑप्शन नंबर बीस का सही आंसर है बाकी के क्वेश्चंस भी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ तब तक आप आ, इसको देखें और बाकी के फिफ्टी क्वेश्चन भी मैं लाता हूँ और किसी के पास अगर पूरा पेपर की पी पड़ी हो तो वो 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 सेवन जीरो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं उसकी पी ये मेरा नंबर है